हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कन्हैया पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नॉलेज का जो जो हमारा प्लेलिस्ट है, जिसमें हम कंप्यूटर के बेसिक्स जो हैं, बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं, उनको पढ़ते हैं, जो नॉलेज है उसको गेन करते हैं। तो ये मेरे हैंडमेड्स नोट्स है, आई होप कि आपके लिए यूज़फुल हो। जो PGDCA का जो टॉपिक्स है उसको हम एक करके डिस्कस करते हैं। तो आज हम उसी सीरीज़ में जानेंगे फ्लो चार्ट और सूडो कोड के बारे में। सूडो कोड और फ्लो चार्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर का, हमें जो है ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत काम आता है। साथ ही साथ हमें अगर हम वन डे एग्ज़ाम बैठते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, साथ ही साथ हम अगर जैसे PGDCA में भी हमारा ये लिखने के लिए आ सकता है, या फिर हमारे जो न्यूमेरिकल्स जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसमें आ सकते हैं। इससे बेसिक कॉन्सेप्ट इसका हमें आना चाहिए। तो सूडो कोड जाने से पहले पहले हम प्रोग्राम फ्लो चार्ट के बारे में जान लेते हैं कि प्रोग्राम फ्लो चार्ट होता क्या है। प्रोग्राम फ्लो चार्ट किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक लॉजिक की चित्रमय प्रस्तुति है। मतलब जैसे कि अगर हम किसी भी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम में वर्क कर रहे हैं, तो हमको जो है कोई जैसे कि कुछ भी अगर हमको काम करना है तो उसके लिए हमें कुछ याद रखना पड़ेगा कि हाँ, जैसे कि अगर हम पहले MS वर्ड में जाएंगे, उसके बाद उसके अंदर में फिर किसी प्रोग्राम में काम करना है तो उसके अंदर जाना है। तो ये एक्चुअली फ्लो चार्ट क्या होता है, प्रोग्राम फ्लो चार्ट किसी कार्य को पूरा करने के लिए, कंप्यूटर में कोई कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक लॉजिक की चित्रमय प्रस्तुति है। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई भी आरंभ करना है हमको, कोई भी स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट के लिए हमको जो है ये चित्र याद रखना पड़ेगा, ये जो चार्ट याद रखना पड़ेगा, उसके बाद हम सीधा इसी को दबाएंगे तो हमारा जो है प्रोग्राम काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम फ्लो चार्ट है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक लॉजिक की चित्रमय प्रस्तुति है। इसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम विश्लेषण, गतिविधि विश्लेषण और सामान्य प्रोग्राम श्रृंखला में निरूपण में किया जाता है, मतलब किसी भी प्रकार के प्रोग्राम में काम करने के लिए। और साथ ही साथ अगर हम प्रोग्राम फ्लो चार्ट की बात करेंगे तो इसे जो है फ्लो चार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रोग्राम के फ्लो को जो है दर्ज करता है कि किस प्रकार के उसके चार्ट के रूप में उसको प्रदर्शित करता है। यह प्रत्येक इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग स्टेप का प्रतीकात्मक निरूपण है। एल्गोरिथम के लिखे जाने की अच्छी विधि होने के अलावा भी यह जो है प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन के लिए का एक हिस्सा है। प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट करते हैं हमको तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक हिस्सा है, और प्रोग्राम को समझने के रख रखाव में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सहायता करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब तो इसका निम्न चीज़ें सबसे प्रचलित रूप से प्रयुक्त प्रतीकों और उसके सामान्य अर्थों का निरूपित करती है। तो ये कुछ जो है हमको आना चाहिए, ये कुछ प्रतीक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंप्यूटर में सामान्य यूज होते हैं, जैसे आरंभ के लिए ये हमारा सिंबल होगा, प्रोसेस सिंबल के लिए होगा, डॉक्यूमेंट सिंबल के लिए होगा, ऑफ पेज कनेक्टर सिंबल के लिए, इनपुट आउटपुट सिंबल के लिए, कमेंट सिंबल के लिए, निर्णय प्रतीक के लिए, संयोजक प्रतीक के लिए, इस प्रकार के सिंबल का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। तो यही था हमारा प्रोग्राम फ्लो चार्ट। अब सूडो कोड देख लेते हैं, एक्चुअली इसी का ही सेकेंड रूप है हमारा। तो सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड प्रोग्राम लॉजिक को निरूपित करने की दूसरी तथा वैकल्पिक विधि है। मतलब इस विधि प्रोग्राम फ्लो चार्ट के अलावा दूसरी एक विधि है। प्रोग्राम लॉजिक लॉजिक स्टेप के निरूपण हेतु प्रतीकों के इस्तेमाल करने के स्थान पर सूडो कोड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता है, जो कि वास्तविक प्रोग्रामिंग तथा साधारण अंग्रेजी के मध्य जो है एक पुल का काम करता है। तो इस प्रकार बेसिक रूप से सूडो कोड जो है प्रोग्राम फ्लो चार्ट के अलावा जो है एक बहुत ही वैकल्पिक विधि है, उसके अलावा हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम लॉजिक स्टेप के निरूपण हेतु प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, इसके स्थान पर प्रतीकों के इस्तेमाल करते थे हमने प्रोग्राम फ्लो चार्ट, तो प्रतीकों के इस्तेमाल करने के स्थान पर सूडो कोड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि वास्तविक प्रोग्रामिंग तथा साधारण अंग्रेजी दोनों के मध्य पुल का काम करता है। कुछ प्रचलन जिसका इस्तेमाल सूडो कोड लिखाते समय किया जाता है, इस प्रकार से हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो सूडो कोड लिखते समय हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लूप में सभी स्टेटमेंट उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, जो भी हम सूडो कोड का इस्तेमाल करेंगे उसकी कुछ विशेषताएं आप समझ सकते हैं इसको। तो लूप के सभी स्टेटमेंट जो है उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, सभी अल्फा न्यूमेरिक मान सिंगल तथा डबल चिन्हों से घिरे होने चाहिए, और सूडो कोड का प्रारंभ एवं समाप्ति क्रमशः स्टार्ट तथा एंड
की वर्ड के साथ होना चाहिए। उदाहरण के लिए दो संख्या के योग का सूडो कोड इस प्रकार हो सकता है हमारा, जैसे कि स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं और एंड से जो है हम इसको एंड करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिंपल सा इसका एक विशेषता है कि सूडो कोड का प्रारंभ जो है हमको एवं समाप्ति क्रमशः स्टार्ट और एंड की के वर्ड द्वारा होने चाहिए, ठीक है। तो उदाहरण के लिए दो संख्या के योग का सूडो कोड निम्न इन प्रकार होगा, से स्टार्ट के बाद एसेप्ट एन वन एसेप्ट एन टू सम इक्वल टू एन वन प्लस एन टू। सबसे पहले स्टार्ट हमारा एसेप्ट एन वन एसेप्ट एन टू, ये दो एक्सेप्ट एन वन एक्सेप्ट एन टू ये जो हमारे दो वर्ड हैं, तो पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद दोनों वर्ड को लिखेंगे, फिर दोनों वर्ड को जो है एन वन और एन टू को जो है हम जोड़ेंगे, उसके बाद हमारा डिस्प्ले हमारे कुछ डिस्प्ले सम होगा दोनों जोड़ने के बाद, उसके बाद एंड यूज़ करेंगे तो हमारा सूडो कोड में प्रचलित हो जाएगा जो भी हमारा प्रोग्राम होगा। तो इस प्रकार यही है सूडो कोड और प्रोग्राम फ्लो चार्ट कंप्यूटर का एक बेसिक टॉपिक है जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। आई होप कि आपकी आपको समझ में आया होगा और आई होप कि आपकी कोई भी काम आए ये नोट्स। तो बस इसी लिए वीडियो था। तो अगर पसंद आया होगा तो आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैनल में आपको कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे नोट्स, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एमएससी सेमेस्टर एग्ज़ाम के सारे नोट्स, ने एग्ज़ाम की तैयारी और वन डे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए करेंट अफेयर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड